We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India. Justin Trudeau backfoot par chale gaye hain is waqt. Iski wajah ye hai ki Justin Trudeau ki taraf se ye kaha gaya hai ki wo constructive talks chahte hain India ke saath. Wo ye chahte hain ki ye jo situation hai ye escalate na ho. वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते. अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या आप, इसकी वजह क्या है? और इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आता है उस पर, उससे हमें पता चलता है कि इंडिया इसको बहुत ही अहम समझता है कि ये जो काम है इसको रोका जाए. एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है. इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी, यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा. उन्होंने थ्रेट किया दूसरे लफ्जों में कि बायलैटरल जो रिलेशन है वो मुतासर हो सकते हैं. अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं. ये वही मुल्क करते हैं जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडिंग बहुत अच्छी हो या फिर वो उसको फेस भी कर हैंडल भी कर सके. रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, भारत और कनाडा विवाद के बीच अब जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच मंगलवार को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में कहा, कैनेडा भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, वह नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक ढंग से जुड़ना चाहता है. हम भारत में कैनेडाई परिवारों की मदद के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं. ट्रूडो का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को ही बताया कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि 40 डिप्लोमेट भारत छोड़ दें, नहीं तो राजनयिक को मिलने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी. सरकार ने 10 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया है. विदेश मंत्रालय ने तो पहले ही कहा था कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. कनाडा अब अलगाववादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है. साथ ही भारत ने कहा था कि अलर्ट करने के बावजूद ऐसे तत्वों पर कनाडा सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की. वक्त जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो पिछली रात को जो खबरें थी, जो प्रोग्राम मैंने आपके लिए किया था, आप समझ सकते हैं कि ये उसका एक तरीके से अपडेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आई है. एक तो गुज़िश्ता रात को, प्रीवियस नाइट, एक डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा. और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी, यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा. ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एन जे तो फिर एन जी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में. तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी. अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया. अच्छा, अब उसके बाद कैनेडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त. इसकी वजह ये है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ. वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते. अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या आप, इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले, अच्छा, इसके अंदर एक और बात की गई, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कैनेडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं. अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पर उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कैनेडा पर, जवाब में कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, या जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, इकॉनमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं हैं जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डिवेलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकॉनमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है, लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है बजाय एशियन सेंचुरी के?